हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप सभी आप सभी लोगों का स्वागत है वोलकनो आई के इस प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट्स अगर हम बात करें आज के लेक्चर की तो आज का लेक्चर है यूनियन टेरिटरीज के ऊपर में यहाँ हम पॉलिटी सीरीज़ का लेक्चर कंडक्ट कर रहे हैं और यहाँ हम पॉलिटी सीरीज़ के जो चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट कर रहे हैं जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को कंप्लीट किया था कुछ चैप्टर हमने प्रियम्बल से रिलेटेड कुछ चैप्टर हमने सैलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उन सबको को यहाँ कवर किया है तो आज का जो चैप्टर है उसमें हम यूनियन टेरीटरीज़ को कवर करेंगे अगर आप बात करें यूनियन टेरीटरीज़ की स्टूडेंट्स तो यूनियन टेरीटरीज जो वर्ड है वो शो करता है कि यहाँ पे जो सेंटर गवर्नमेंट है जो केंद्र की जो गवर्नमेंट है उसका यहाँ पे कम्प्लीटली पावर में रहेंगी ये यूनियन टेरीटरीज बिकॉज जो वर्ड है वो इट्सल्फ शो कर रहा है यूनियन की टेरिटरी हैं जो यूनियन है वो सेंटर की टेरिटरी हैं जैसे इनको हिंदी में जो प्रोनाउंस किया जाता है वो बोला जाता है कि केंद्र शासित प्रदेश केंद्र का शासित केंद्र का जहां शासन होगा वही उन प्रदेशों को यूनियन टेरिटरीज बोला जाता है स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ये यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट जो डायमेंशन हैं उनके प्रस्पेक्टिव में काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं जैसे स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स आपने अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप का जो आइलैंड्स हैं उनके बारे में देखा होगा कि इंडिया के जो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि हमारे जो जो कंबाइन जो थिएटर कमांड है डिफेंस सेक्टर में वो पोर्ट ब्लेयर के अंदर लोकेटेड है तो वो उसका स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस भी शो करता है वहाँ पे जो कंबाइन जो थिएटर कमांड है उसका जो प्रेजेंस है वो शो करता है कि किस तरह के स्ट्रेटजी के लिए इम्पोर्टेंस है जो अंडमान एंड निकोबार हैं एंड लक्षद्वीप हैं तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करते हैं यूनियन टेरिटरीज के बारे में तो यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करें सबसे पहले अगर हम बात करें हमारा जो आर्टिकल वन है आर्टिकल वन में हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स आर्टिकल वन टू फोर हैं जो पार्ट वन के अंदर हैं उसके अंदर बताया था इंडिया डेट इज़ भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स उसके अंदर अगर हम बात करें स्पेशल आर्टिकल वन के अंदर में जिसमें आर्टिकल वन के अंदर जो नेम दिए गए हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी टेरिटरी हैं जो भारत का पार्ट हैं जिसमें बताया गया था कि टेरिटरी ऑफ स्टेट जो स्टेट का पार्ट है इसके अलावा जिसमें बताया गया था यूनियन टेरिटरीज एंड इसके अलावा बताया गया था ऐसी टेरिटरी जिनको फ्यूचर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक्वायर किया जाएगा तो वो भी जब भारत का पार्ट बनेंगे तो आर्टिकल वन के अंदर उनका जो नेम है वो लिखा जाएगा प्रेजेंट समय में अगर हम बात करें जो ट्वेंटी एट स्टेट्स हैं इंडिया में प्रेजेंट समय में और एट यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज हैं स्टूडेंट्स ये मिस प्रिंट हुआ है प्रेजेंट समय में जो यूनियन टेरिटरी हैं वो एट हैं और यहाँ पे जो ट्वेंटी एट स्टेट्स हैं एट टेरिटरी किस तरीके से हैं आप देखिए कि जब सेवन टेरिटरी हुआ करती थी फिर उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर को बाईफ्रकेट किया गया तो ये नाइन हो गई जैसे जम्मू एंड कश्मीर को बाईफ्रकेट किया गया तो नाइन हो गई फिर आपको पता होगा कि आफ्टर द बाइफर्केशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को जब उससे अलग किया गया तो उसके जस्ट बाद में जो दादर एंड नागर हवेली है एंड दमन एंड दीव है उन दोनों को यहाँ पे मर्ज कर दिया गया था तो एक ही टेरिटरी बना दिया गया इसकी वजह से यहाँ पे जो संख्या है वो टोटल एट यूनियन टेरिटरी हैं स्टूडेंट्स ये मैंने चेंज नहीं किया था इसके बिहाइंड में रीजन ये था कि प्रजेंट समय में जो नंबरिंग है वो, वो मैक्सिमम पीपल्स को नहीं पता है कि प्रेजेंट समय में कितनी यूनियन टेरेटरीज हैं अगर हम स्टेट की बात करें तो ट्वेंटी नाइन स्टेट से ट्वेंटी नाइन स्टेट्स में जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको बाईफर्केट किया गया तो यहाँ पे जो स्टेट्स का जो नंबर है वो ट्वेंटी एट हो गया है तो स्टूडेंट्स इनकी जो हमारे जो इंडियन स्टेट्स हैं जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं ये किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आई पहले ये ए बी सी एंड डी के अंदर इनको डिवाइड कर रखा था बाद में इनका चेंज आता है नंबर सिक्सटी फोटीन इस्टेट एंड सिक्स यूनियन टेरेटरी जो हमने देखा था सेवन जो स्टेट री एक्ट है सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जिसको बोलते हैं 1956 में और उसके अलावा और ये 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 जो 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 प्रेजेंट में में सिचुएशन है है तो इंडियन स्टेट्स के एंड यूनियन की जो जर्नी है, इसके बारे में हमने इवोल्यूशन ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड एंड इंडिया यूनियन डिस्कस किया है, उसका जो है, वो हमारे चैनल के वो है आप प्ले लिस्ट जर्नी को रीड किया है कि किस तरीके से 1956 में जब यहाँ पे जो बहुत सारी कमेटीज आती हैं तो फजल अली कमीशन के बाद में फजल अली की जो कमेटी आई थी फजल अली कमेटी के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है उसके बाद में फोर्टीन एंड सिक्स में डिवाइड किया जाता है इंडिया को और फोर्टीन एंड सिक्स के बाद में जो प्रेजेंट जो जर्नी है जो प्रेजेंट स्टेट्स हैं ये किस तरीके से बाई किस तरीके से इनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया किस तरीके से ये एग्जिस्टेंस में आई कौन से स्टेट से अलग करके बनाया था कौन कौन सी यूटीज ऐसी हैं जिनको चेंज करके फिर स्टेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया पहले वो प्रेजेंट समय में यूटी हुआ करती थी तो उन सब के बारे में हमने यहाँ पे कंप्लीटली जर्नी के बारे में रीड किया है आप उस लेक्चर के अंदर इन सब के बारे में देखना तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा कि ट्वेंटी स्टेट हैं और एट यूनियन टेरेट्री हैं इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि स्टेट्स आर द मेंबर ऑफ फेडरल सिस्टम इन इंडिया और उनके बीच में जो पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंटर और स्टेट के बीच में बिल्कुल सही बात है स्टेट्स के द्वारा बहुत सारे ऐसे जो स्टेट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे कानून बनाने का उनको अधिकार है तो वहाँ पर जो कुछ जो पावर्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट अब यूनियन टेरेटरीज में हम बात करें कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पे लेजिलेटिव सिस्टम है जहाँ पे असम्बली है जहाँ पे इलेक्शन हुआ करते हैं जिसमें हम बात करें कि पुडुचेरी है दहली है और प्रेजेंट समय में जो जम्मू एंड कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी है उसकी बात करें तो वहाँ पे कुछ जो अधिकार हैं कुछ एक्सेप्शन के थ्रू कुछ एक्सेप्शन में कुछ ऐसी पावर्स हैं स्टेट लिस्ट के अंदर भी जहाँ पे सेंटर का अधिकार है बट सम हाउ कुछ एटी नाइन्टी परसेंट जो स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर उन यूनियन टेरीटरीज़ में जो, जो जहाँ पर लेजिस्टिव है वहाँ पर पावर है अगर हम बात करें स्टेट्स तो स्टेट्स के अंदर तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि कैसे वहाँ पे पावर का डिवीज़न होता है इंडिया की जो लिस्ट हैं जो डिवाइड कर रखी हैं जो लिस्ट का जो कौन सा शेड्यूल है फ्रेंड्स सेवन शेड्यूल में जो लिस्ट हैं सेवन शेड्यूल में जो लिस्ट हैं वहाँ पे जो डिवाइड कर रखा है सेंट्रल लिस्ट हैं स्टेट लिस्ट हैं वहाँ पे जो लिस्ट हैं तो उसके अकॉर्डिंग बता रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट को इन इन सब्जेक्ट्स के अंदर कानून बनाने का अधिकार है अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरीज की तो यूनियन टेरिटरीज स्टूडेंट्स मैक्सिमली डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन होता है यहाँ पे कि, कि, किसका डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन होता है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का इससे पहले जो यूनियन टेरिटरी हैं उनको बोला जाता था सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज के नाम से इनको जाना जाता था प्रजेंट समय में कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरीज भी हैं जहाँ पे अगर हम बात करें उनको पावर है स्टेट लिस्ट के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर में कानून बनाने का अधिकार है जैसे हम बात करें दहली है पुडुचेरी है एंड जम्मू एंड कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी जो कॉन्स्टिट्यूट हुई है जहाँ पे असम्बली है जहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर उनको दी गई है तो उनको अधिकार है कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरीज भी हैं स्टूडेंट्स अगर हम जर्नी की बात करें ब्रिटिश के समय में शेड्यूल डिस्ट्रिक्स हुआ करते थे 1874 के समय में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था बाद में जब ये शेड्यूल जो डिस्ट्रिक्स थे इनको ही बाद में चेंज कर दिया गया सेंट्रल कमिश्नर प्रोविंस के रूप में जब इंडिपेंडेंस के बाद में जब हमारे देश में जितने भी स्टेट्स थे जिन्ह इनको डिवाइड किया गया तो यहाँ पे ए बी सी एंड डी में इनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था जिसमें सी और डी के अंदर जो कैटेगरी में जो आया करते थे वो यूनियन टेरिटरीज का पार्ट था स्टूडेंट्स आपको पता होगा जब हमने इंडिया एंड यूनियन का जो चैप्टर है इंडिया और उसकी यूनियन का जो चैप्टर है उसके बारे में जब रीड किया था तो डी टेरेटरी में आपको पता था कि यहाँ पर जो कम्प्लीटली है वो अंडमान एंड निकोबार को सिंगली यहाँ पे रखा गया था सिर्फ़ एक अंडमान एंड निकोबार को फिर आता है फ़जल अली कमीशन जो हमने एस के धर कमेटी आती है जो गवर्नमेंट की कमेटी थी फिर एक कांग्रेस जो पार्टी है पार्टी के द्वारा एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है जे कमेटी जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टावी सीतारमैया नाम से एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है उन्होंने भी लैंग्वेज बेसिस पे जो कंट्री है उसमें स्टेट्स का क्रिएशन डिवाइड मना कर दिया था उसके बाद में एक कमेटी आती है कमेटी का नाम है फ़जल अली फजल अली कमेटी के बाद में सेवंथ स्टेट सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट और उस समय में फोटीन और फोटीन श्टे, स्टेट्स और सिक्स यूनियन टेरिटरी इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं ये ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की जो कैटेगरीज थी इनको यहाँ पे डिवाइड इनको यहाँ पे ब, चेंज कर दिया गया एंड कर दिया गया उसके बाद में स्टूडेंट्स हमने देखा है कि बहुत सारे जो प्रजेंटर समय में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो पहले यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे जिसमें हम बात करें हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें स्टूडेंट्स तो हमारे यहाँ पे एक स्टेट हुआ करता था पंजाब पंजाबी सूबा मूवमेंट चलता है मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में मास्टर तारा सिंह के लीडरशिप में एक मूवमेंट चलता है पंजाबी सूबा 1966 में जिसमें हिंदी स्पीकिंग पीपल जो लोग थे पंजाब के अंदर में उनको चेंज करके बना दिया जाता है हरियाणा और जो पहाड़ी स्पीकिंग जो पीपल थे उनका बन जाता है हिमाचल हिमाचल को स्टार्टिंग में 1966 के समय में यूटी के रूप में रखा जाता है फिर 1971 के समय में 71 वन इकहत्तर के समय में इसको यहाँ पे स्टेट का स्टेटस दे दिया जाता है अगर हम बात करें कि जो मणिपुर है त्रिपुरा है मणिपुर और त्रिपुरा को यहाँ पर जो स्टेट का जो दर्जा दिया गया था वो सेवनटी के अंदर दिया गया था उससे पहले इनको यू के रूप में गया था इसके अलावा मिजोरम अरुणाचल प्रदेश मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश कौन से हैं स्टूडेंट्स मिजो सबसे फार इस्ट में बात करें इंडिया के कंप्लीटली उत्तर में बात करें फार नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है इसमें सबसे टॉप पर आएगा अरुणाचल प्रदेश ये चार स्टेट्स हैं और सबसे जो डाउन साइड पर आएगा उसका जो नाम है वो नाम है ए, मिजोरम तो इन दोनों को यूटी बनाया जाता है जब मणिपुर और त्रिपुरा को यहाँ पे स्टेट हुड का जब दर्जा मिलता है फिर उसके बाद में स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि जब गोवा के साथ में गोवा जो प्रेजेंटली यूटी के रूप में था पर जब गोवा को 1987 में स्टेटस दिया गया तो मिजोरम अरुणाचल प्रदेश और गोवा को यहाँ पे स्टेट का स्टेटस मिल जाता है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे ये बहुत सारे स्टेट्स हैं प्रेजेंट समय में जो स्टेट हैं वो कभी यूटी हुआ करते थे कभी कोई स्टेट हुआ करते थे वो यूटी बने हैं कि नहीं बने अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन कौन से कुछ चार स्टेट्स के नाम दे दिए गए उसमें से पूछ लिया गया कि इनमें से कौन सा जो है वो पहले यूटी हुआ करता था तो क्या इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन सा पहले यू नहीं था अब प्रजेंट समय में यू है तो जम्मू एंड कश्मीर आपके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसमें प्रेजेंट समय में जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट होने के बाद में उसको यू में प्रमोट किया गया यू टी में उसको चेंज किया गया तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि जो पोर्तुगेज के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया थे जिसमें ये गोवा है दमन एंड दीव है दादर एंड नागर हवेली है ये पोर्चुगेज़ जो पीपल हैं जो सबसे पहले इंडिया में आए थे फॉरेन पावर के रूप में ये उन पीपल्स के एडमिनिस्ट्रेशन के वाले एरिया हैं जिनको एक्वायर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा में आफ्टर द इंडिपेंडेंस एक्वायर किया जाता है स्टूडेंट्स ये याद रखने वाली बात है कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनमें से सबसे कुछ पावर्स के नाम दे देंगे आपको फ्रेंच डच इंडियन एंड द इंग्लिश और इनमें पूछ लिया जाएगा पोर्तुगीज इनमें से पूछ लिया जाएगा कि कौन सी जो पावर हैं जो सबसे लास्ट में इंडिया से गए थे तो फ्रेंड्स आप ये कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे कि कौन सी फॉरेन पावर है जो सबसे लास्ट में इंडिया से उनको जाना पड़ा था जिसमें गोवा दो दमन एंड दीव दादर एंड नागर हवेली इनको जब कब इंडिया ने एक्वायर किया इसके अलावा आपने फोर्टीन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पुडुचेरी को जो यूटी बनाया था जो फ्रेंच का कभी टेरिटरी हुआ करती थी तो स्टूडेंट्स इस इसमें बहुत सारी जो टेरिटरी हैं कभी ना कभी कि जी फ़ौरन पावर के हैंड में हुआ करती थी बाद में आज़ादी के बाद में इंडिपेंडेंस के बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने इनको एक्वायर किया है तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रेजेंट जो एट टेरिटरीज हैं उनकी अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स अंडमान एंड निकोबार है दहली है लक्षदीप है दादर एंड नागर हवेली एंड है, दमन एंड दीव इसको 2019 में एक सिंगल कर दिया गया है ये आपको पता होना चाहिए पुडुचेरी है चंडीगढ़ है जम्मू एंड कश्मीर है एंड लद्दाख है स्टूडेंट्स 1973 से पहले जो लक्षद्वीप है उसका जो नेम था वो डिफरेंट हुआ करता था यहाँ पे यहाँ पे जो इनके मे, मेजर मेजर आइलैंड्स हैं इन तीन आइलैंड्स का जो नेम है वो हुआ करता था जिसमें लक्काडीव है मिनी कोई है अमनी दीव है, आइलैंड हैं 1992 के समय में जो दहली था उसका भी यहाँ नेम चेंज किया गया यहाँ एनसीटी आया नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दहली के रूप में एग्जिस्टेंस हुआ है और 2006 में पुडुचेरी है जिसको बाद में पौंडीचेरी के नाम पुडुचेरी वाज नोन एज द पौडीचेरी पौंडीचेरी के रूप से जाना जाता था अब प्रजेंट समय में जो नेम है वो पुडुचेरी है तो स्टूडेंट्स ये कुछ यूनियन टेरिटरीज के बारे में जानकारी थी जो हमने देखी है आपको पता होना चाहिए कब कब एग्जिस्टेंस में आई ये सब यूनियन टेरिटरीज स्टूडेंट्स अब हम जो इनके जो स्पेशल पावर्स हैं उन सब के बारे में देखते हैं सबसे पहले अगर हम यूनियन टेरिटरीज के जो बनाने से रिलेटेड इनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया उसके बिहाइंड में क्या रीजन हुआ करता था क्या स्पेशल वहाँ पावर हुआ करती थी तो अगर हम देखें पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन के रूप में दिल्ली एंड चंडीगढ़ है उनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया स्टूडेंट जो चंडीगढ़ है वो पंजाब और हरियाणा के बीच में फ़ाइट आज भी चलती रहती है कि पंजाब के द्वारा बोला जाता है कि चंडीगढ़ हमारे अंडर में आता है हरियाणा के द्वारा बोला जाता है कि चंडीगढ़ हमारे अंडर में आता है अभी जब रिसेंटली न्यू गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट हुई थी पंजाब के अंदर में जब भी ये, ये इश्यू कंटिन्यू एग्जिस्ट आया था न्यूज़ के अंदर में फु फु मार्च अप्रैल के समय में कल्चरल डिस्ट्रिक की बात करें तो पुडुचेरी है दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव को यहाँ पे सेपरेट रखा गया है इसलिए इनको इनका कल्चरल जो अगर हम बात करें प्रोटेक्शन की या डिफरेंट कल्चर होने की वजह से यहाँ पे आपको अगर आप गोवा कभी विजिट किए हो तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा वहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं वो पोर्तुगेज स्टाइल में वहाँ पर उनको बनाया गया है हम जब आर्किटेक्चर के बारे में रीड करेंगे आर्ट एंड कल्चर के अंदर जब भी हम रीड करेंगे कि इंडिया में किस किस तरीके का आर्किटेक्चर है तो वहाँ जब गोवा के बारे में हम रीड करेंगे तो आपको वहाँ पे बताएंगे कि वहाँ पे किस तरीके से डिफरेंस है वहाँ पे अलग टाइप का जो कल्चर है स्ट्रेटजिक e इंपोर्टेंस के लिए हमने अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप को कॉन्स्टिट्यूट किया एज ए यूनियन टेरेट्री क्योंकि यहाँ पर अगर स्टेट का रूल रहेगा तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसी जो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस के लिए इन जो प्लेसेज हैं उनको यूज़ करने के लिए और सेंटर और स्टेट के बीच में अगर डिस्प्यूट हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं इसलिए इनको यूनियन टेरिटरी के रूप में कॉन्स्टिट्यूट किया गया है इसके अलावा स्टूडेंट्स वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी कम है अगर हम बात करें कि स्पेशल ट्रीटमेंट कुछ बैकवर्ड और ट्राइबल पीपल्स के डोमिनेटेड एरियाज हैं जिसमें मिज़ोरम है मणिपुर है त्रिपुरा है अरुणाचल प्रदेश है इनको पहले यूटी बनाया गया था बाद में इनको स्टेट के रूप में दर्जा दे दिया गया अभी 2019 में जो जम्मू कश्मीर को बाईफर्केट किया गया है और यूनियन टेरेट्री बना दी गई हैं दो जम्मू एंड कश्मीर एक अलग से है और यूनियन टेरीट्री ऑफ लद्दाख की है स्टूडेंट्स यहाँ लद्दाख के द्वारा जो एक डिमांड की जा रही थी कि हमको शेड्यूल के अंदर ऐड कीजिए शेड्यूल सिक्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आपको पता होगा आपको कौन कौन से जो स्टेट्स हैं शेड्यूल सिक्स के अंदर आते हैं तो असम मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोरम जो चार स्टेट हैं जो शेड्यूल सिक्स के अंदर आते हैं तो आप उन स्टेट्स के बारे में हम रीड करेंगे जब शेड्यूल सिक्स का जो चैप्टर है उनको जब हम यहाँ पे रीड करेंगे शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया के बारे में फिफ्ट और जो शेड्यूल फाइव और सिक्स है उन दोनों के बारे में जब रीड करेंगे तो कम्प्लीटली यहाँ पर उनको देखेंगे तो लद्दाख के द्वारा भी डिमांड की जा रही है कि हमको शेड्यूल सिक्स के अंदर ऐड कीजिए इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि जो आर्टिकल 239 से लेकर आर्टिकल 241 फोर्टी वन है यहाँ का जो पार्ट हम बात करें कि पार्ट एथ के अंदर ये आर्टिकल हैं इनमें यूनियन टेरिटरीज की जो पावर हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डील किया गया है यहाँ पे यूनियन पे जो टेरिटरीज हैं वहाँ पे किस तरीके से कौन वहाँ पे हेड होगा कौन वहाँ पे ऑफिसर होगा उसको जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगा तो इन सब के बारे में जो भी पावर्स हैं जो भी यहाँ पे <coughs> जो सोर्स ऑफ पावर हैं उनके बारे में आर्टिकल टू थर्टी नाइन से टू फोर्टी वन तक यहाँ पे बताया गया है यूनियन टेरिटरीज के बारे में स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरीज को कि सभी यूनियन टेरिटरी एक ही कैटेगरी में बिलोंग करती हैं यूनिफॉर्मिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं है इस तरीके की यहाँ चेंज है क्योंकि कुछ यूनियन टेरीट्रीज़ में आप देखिए यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं है सभी यूनियन टेरिटरीज में आप देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पे कुछ जगह ऐसा है कि जहाँ पे लेजिसलेटिव जो असम्बली है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई है इलेक्शन का सिस्टम है जिसमें तीन यूटी आती हैं हमारी तो इस वजह से सभी जगह सेम नहीं है जो हेड ऑफ जो अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी का जो ऑफिसर होगा कि कहीं पे उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला जाता है कहीं पे उसको चीफ कमिश्नर बोला जाता है कहीं पे उसको एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जाना जाता है कम्प्लीटली यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है अब हो सकता है प्रेसिडेंट डायरेक्टली ना कर पाए तो अपना एक एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पर अपॉइंट करे जो एडमिनिस्ट्रेशर होता है वो यूनियन टेरीट्री का वो एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट होता है नॉट हैड ऑफ स्टेट लाइक द गवर्नर ये बात तो बिल्कुल सही है बट यहाँ पे इस तरीके से नहीं है कि एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट के रूप में वो कोई प्रेसिडेंट के अंडर में उनका कोई जॉब है इस तरीके से यहाँ नहीं है प्रेसिडेंट ने स्पेसिफाई किया है डेजिग्नेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन के एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में बताया है प्रेसिडेंट के द्वारा तो स्टूडेंट्स यहां पर इंपॉर्टेंट बात किया है इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो यूनियन टेरिटरी का उसका जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा और जो आर्टिकल हैं 239 से लेकर 241 तक जो ये आर्टिकल्स हैं इनके अंदर स्पेशल पावर्स हैं यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड तो ये हमको पता होनी चाहिए जैसे इसमें एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 240 फोर्टी टू फोर्टी के थ्रू जो प्रेसिडेंट है उसको पावर है कि वहाँ पे पीस प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस के लिए जो यूनियन टेरिटरी हैं अब ये सभी यूनियन टेरिटरी नहीं आर्टिकल टू फोर्टी के अंदर में इस बार इससे रिलेटेड कभी कभी बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ के अंदर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा अगर आपने काफ़ी अच्छे वे में टेस्ट सीरीज़ लगाई है किसी भी इंस्टीट्यूट की ले लीजिए आप 240 जो आर्टिकल है इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए पीस प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस से रिलेटेड प्रेसिडेंट के पास पावर है वहाँ पे अपना जो इन सेक्टर्स से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन इन द यूनियन टेरिटरी तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पे 240 के थ्रू पीस प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस के लिए प्रेसिडेंट अपना रूल कर सकता है स्टूडेंट्स इसके अलावा हम देखें कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो दिल्ली पुडुचेरी अंडमान एंड निकोबार एंड जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के रूप में यहाँ इस्टेब्लिश किया जाएगा यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर है वो चंडीगढ़ है दादर एंड नागर हवेली दमन एंड दीव है एंड लक्षद्वीप के लिए किया जाएगा प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है गवर्नर किसी भी अगर जो साइड में कोई स्टेट है कोई पास में कोई स्टेट है नाइबर जो स्टेट है उसका जो गवर्नर है उसको जो जहाँ पे जैसे आपने देखा होगा अधिकतर पंजाब और हरियाणा का जो गवर्नर होते हैं उनमें से किसी एक को चंडीगढ़ का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके रूप में अपॉइंट किया जाता है कभी कभी अलग को भी किया जा सकता है तो ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रेसिडेंट कैन आल्सो अपॉइंट द गवर्नर ऑफ ए स्टेट एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ए एडिंग यूनियन टेरेटरी इन दैट कैपेसिटी द गवर्नर इज एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ इज काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर्स तो स्टूडेंट्स ये सब हमने देखा इसके अलावा अगर हम देखें कि यूनियन टेरिटरी हैं जो पुडुचेरी की हैं दिल्ली की हैं जम्मू एंड कश्मीर की हैं जहाँ पे एक लेजिस्लेटिव पावर लेजिसटिव असम्बली कॉन्स्टिट्यूट की गई है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी वो बनाएंगे और इसके अलावा चीफ मिनिस्टर उनका हेड होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का इसके अलावा जो यूनियन टेरीटरी हैं जो रिमेनिंग यूनियन टेरीटरी हैं यहाँ पर रिमेनिंग यूनियन टेरीटरी कौन सी हुई पाँच जो रिमेनिंग यूनियन टेरीटरी हैं फ़ाइव होंगी यहाँ पे सिक्स नहीं होंगी स्टूडेंट्स फाइव जो यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का स्टेबलिसमेंट नहीं है वहाँ पे यूनियन टेरिटरीज के अंदर में हम अगर हम बात करें कि प्रेसिडेंट और जो पार्लियामेंट है उन्हीं के रूप में पावर है लोकल लेवल पे कोई भी यहाँ पे स्टेट असम्बलीज नहीं है जो एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में यहाँ पे काम किया जाता है स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं तो इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना अगर ऐसा बात करें कि ये जो यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पे असम्बली नहीं है क्या क्या वहाँ पे पार्लियामेंट का वोट होता है तो बिल्कुल फ्रेंड्स जब जनरल इलेक्शन होते हैं तो आपको पता होगा कि द, जो अंडमान निकोबार है वहाँ के भी एक मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हैं जो चंडीगढ़ है वहाँ के भी एक मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हैं तो इनके मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट तो हुआ करते हैं बट मेंबर ऑफ़ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कुछ कुछ जो यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पे हैं जैसे अगर हम बात करें कम्प्लीटली जो अर्बन एरिया है अर्बन एरिया का जो डेफिनेशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि सेवेंटी फाइव परसेंट जो, जो पीपल्स हैं उनका नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क होना चाहिए उनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो नॉन एग्रीकल्चर होगा तो वहां पे उनको अर्बन एरिया के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जहां इंस्टीट्यूशंस भी है कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरीज भी हैं जहां पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ना हो के कंप्लीटली अर्बन लोकल बॉडीज का वहां स्टेब्लिशमेंट है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो जहाँ पे असम्बली दी गई है उस असम्बली को बेसिकली पावर है या नहीं है वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूट करने से रिलेटेड जो यहाँ पे जो स्टेट लिस्ट होती है वहाँ पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाया जाता है कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरी जहाँ पे जैसे पुडुचेरी दहली एंड जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे जो लोकल लेजिस्लेचर के द्वारा वहाँ पे रूल किया जाएगा कुछ इसके अंदर एक्सेप्शन है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स अगर हम बात करें दहली के लिए तो दहली के अंदर आपको पता होगा कि पब्लिक ऑर्डर पुलिस और जमीन से जुड़े जो मैटर हैं वहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा कानून नहीं बनाया जा सकता तो आपको ये बहुत भो, बहुत बार आपको देखने को मिलता होगा जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है दिल्ली जो दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर होते हैं उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा किया जाता है जब इनिशियल फेज में जब यहाँ पर टू में एक नई गवर्नमेंट आई थी दहली के अंदर में फोर्टीन फिफ्टीन के समय में एक नई पार्टी के द्वारा तो उनके द्वारा ऑब्जेक्ट किया गया था कि जो कमिश्नर है जो पुलिस है वो स्टेट सब्जेक्ट है यहां पे हमारे द्वारा क्यों नहीं अपॉइंट किया जा रहा बट आपको इन सब के बारे में कंप्लीट डिटेल में पता होना चाहिए कि दिल्ली में कंप्लीटली एक्सेप्शन है तीन चीजें पब्लिक ऑर्डर पुलिस और जो ज़मीन है इससे जुड़े लैंड से जुड़े जो मैटर्स हैं उनके द्वारा यहाँ स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं तीनों सेक्शन यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो लेजिस्लेटिव जो असम्बली जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है उनके द्वारा यहाँ पावर नहीं होती है कुछ भी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो पावर है वो तीन सेक्टर्स में नहीं है दहली को इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बात करें जो नया जो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर जिसको बाईफ्रकेट किया गया और बाईफ्रकेट करने के बाद में यूनियन टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूट की गई तो जिसमें जो जम्मू एंड कश्मीर को लेजिस्लेटिव असम्बली की जो पावर दी गई है तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वहाँ पर स्टेट लिस्ट में या पब्लिक ऑर्डर और पुलिस से रिलेटेड जो कानून हैं वहाँ पे कानून नहीं बना सकते पुलिस ज़मीन से जुड़े मैटर्स पे बना सकते हैं बट पब्लिक ऑर्डर और पुलिस पे नहीं बना सकते इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने देखा था कि आर्टिकल टू फोर्टी द आर्टिकल टू फोर्टी के द्वारा यहाँ पावर है प्रेसिडेंट को पीस प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट के लिए अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव और लद्दाख ये जो चार टेरिटरी हैं यहाँ पे आर्टिकल 240 के थ्रू जो रूल्स है वो बना सकता है रूल्स यहाँ पे बनाए जा सकते हैं पीस के लिए प्रोग्रेस के लिए एंड गुड गवर्नमेंट के लिए रेगुलेशन किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा इसमें आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि पुडुचेरी के अंदर भी प्रेसिडेंट के द्वारा जो लेजिस्लेशन है मेकिंग अप जो प्रोसेस है वो किया जा सकता है बट वहाँ पे पता होना चाहिए कि जो वहाँ पे जो लेजिस्टिव असम्बली है वो सस्पेंड है या डिजोल्व है तो वहाँ पर आर्टिकल टू के थ्रू प्रेसिडेंट वहाँ पर लेजिसलेशन प्रोसेस को कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है रेगुलेट कर सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा तो आर्टिकल 240 के अंदर कौन कौन से हैं जहाँ पे पीस प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट के लिए जो प्रेसिडेंट है वो बना सकता है एक बार दोबारा देखते हैं स्टूडेंट्स अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप दोनों हमारे स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंट यूनियन टेरिटरी इसके अलावा दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव एंड लद्दाख जो हैं वहाँ पे जो अगर हम बात करें कि जो प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट के द्वारा वहाँ पे पीस प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट गुण से रिलेटेड रूल्स को बनाया जा सकता है पुडुचेरी के अंदर भी बनाया जा सकता है वहाँ पे जो यूनियन टेरिटरी है वो सस्पेंड हो या डिजोल हो तो वहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा वहाँ रूल बनाया जा सकता है अब प्रेसिडेंट के द्वारा जो रूल बनाया जाएगा वो इक्वल टू द फ़ोर्स ऑफ द पार्लियामेंट या जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के इक्वल वहाँ पे फोर्स है उसका उसको रिपील नहीं वो रिपील तो किया जा सकता है एक्ट ऑफ एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को इन रिलेशन टू दिज यूनियन टेरेटरी ये तो बिल्कुल सही बात है बट उसका जो पावर है इक्वल टू द रोल ऑफ द रूल ऑफ द पार्लियामेंट के इक्वल होगा इसके अलावा स्टूडेंट्स बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं यहाँ के जो डिस्प्यूट्स हैं यहाँ के जो केसेस हैं उनको किस तरीके से हैंडल किया जाए तो उसके लिए इन यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर में एक हाई कोर्ट होता है अब यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर खुद का हाई कोर्ट तो नहीं है दिल्ली के अलावा दिल्ली एक एक्सेप्शन एक है इसके अलावा दाद, अगर हम बात करें लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर है उनका भी एक जम्मू एंड कश्मीर जो हाई कोर्ट है उसी के अंडर रखा गया है इसके अलावा जो भी यूनियन टेरिटरी हैं उनको किसी ना किसी जो एडजोइनिंग स्टेट है नियर बाय स्टेट है जो नाइबर स्टेट है उनके हाई कोर्ट के अंडर उनको रखा गया है तो स्टूडेंट्स आप देखिए दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव जो है, वो बॉम्बे के पास गिरते हैं तो उनका जो हाई कोर्ट है वो बॉम्बे हाई कोर्ट है अंडमान एंड निकोबार को रखा गया है कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर में चंडीगढ़ को पंजाब एंड हरियाणा के अंडर में लक्षद्वीप को केरला के अंदर में और पुडुचेरी को मद्रास कोर्ट के अंडर में रखा गया है दिल्ली एकमात्र यूनियन टेरिटरी थी जिसका खुद का हाई कोर्ट हुआ करता था तो अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का जो पुराना हाई कोर्ट था जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट उसी के अंडर में यहां पे रखा गया है तो ये जुडिशरी से रिलेटेड है कि इनके केसेस को कौन टैकल करेगा दहली ओनली यूनियन टेरिटरी है और जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख का वो ही हाई कोर्ट है अब अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी सेपरेट प्रोविज़न नहीं कॉन्स्टिट्यूट किया है कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी सेपरेट प्रोविज़न फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अक्वायर्ड टेरिटरी अगर हम कोई टेरिटरी है उसको अक्वायर्ड करेंगे तो उसके लिए कोई सेपरेट प्रोविज़न नहीं है उसको यू के रूप में डिक्लेयर किया जाएगा और इन्हीं यूनियन टेरेटरीज के थ्रू जो रूल्स हैं वो वहाँ पर अप्लाई होंगे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स दहली की तो सिक्सटी नाइन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था एक दहली का नाइनटीन नाइन्टी वन के अंदर में नाइनटीन नाइन्टी वन में एक अमेंडमेंट एक्ट आया सिक्सटी नाइन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जिसमें दहली को जो लेजिस्लेटिव पावर दी गई सत्तर सीट दी गई और यहाँ पे एक रूल बनाया गया जैसे आपको पता होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो संख्या है वो 91 वन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एक जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो संख्या है वो कितनी कर दी गई कि पंद्रह परसेंट जो टोटल मेंबरशिप है को हाउस की उससे ज़्यादा यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में लोग नहीं हो सकते तो यहाँ पर भी आपको पता होगा कि जो दहली है वहाँ पर जो सेवन नंबर फिक्स कर दिया गया कि सिक्स तो यहाँ पे मिनिस्टर होंगे एक यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होगा तो ये यह यहाँ पे पावर है वो फिक्स कर दी गई सिक्सटी नाइन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कि सत्तर सीट की एक लेजिस्लेटिव असम्बली होगी दहली के अंदर में और यहाँ पे जो सेवन है वो यहाँ पे ओनली मिनिस्टर बन सकते हैं सेवन का मतलब ये नहीं है उन्होंने सेवन नहीं बताया था उन्होंने बताया था ओनली टेन परसेंट लोग ही यहाँ पर मिनिस्टर बन सकते हैं स्टूडेंट्स ये सब दहली से रिलेटेड एक स्पेशल प्रोविजन है इससे पहले जो दहली था वो मेट्रोपोलिटियन काउंसिल हुआ करता था उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी सिक्सटी नाइन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो नाइनटीन नाइनटी वन में आया वहाँ पर इसको एक स्पेशल पावर दी गई एन सी टी बनाया गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया और यहाँ पर दस परसेंट आप मिनिस्टर बना सकते हो टोटल सीट यहाँ सत्तर है तो वहाँ पर दस परसेंट अगर हम बात करें कि वैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसी स्टेट के अंदर में किसी भी अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो वहां पंद्रह परसेंट का जो कैप है जो नाइनटी वन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के थ्रू लगाया गया था कि पंद्रह परसेंट जो टोटल मेंबरशिप है उससे ज्यादा बड़ी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होनी चाहिए तो स्टूडेंट्स भी आपको पता होना चाहिए कि नाइन्टी वन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यह कैप लगाई गई थी जो पंद्रह परसेंट उसको यहां पर फिक्स किया गया था इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरीज की जो पावर है उससे रिलेटेड जो मिनिस्टर होम अफेयर्स है उनके पास कुछ पावर होती हैं उनकी एक कमेटी होती है उनके द्वारा यूनियन टेरिट्री का जो लेजिस्लेशन है फाइनेंस है बजट की सर्विस है अपॉइंटमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन इन सब मैटर्स को यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा देखा जाता है जो रूल नाइनटीन के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट की गई है होम मिनिस्टर की एक कमेटी है जिसके द्वारा यहाँ पे देखा जाता है तो स्टूडेंट्स ये सब हमने देखा यूनियन टेरेटरीज के बारे में कंप्लीटली उनकी पावर्स के बारे में देखा आर्टिकल टू फोर्टी के बारे में देखा नई जो कॉन्स्ट हमारी यूनियन टेरिटरी जिनका कॉन्स्टिट्यूशन कौ, हुआ है जिनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है उन सब के बारे में यहाँ पे हमने देखा तो स्टूडेंट्स आप बने रहिए हमारे साथ हम कंटिन्यू आपको जो भी जितने भी सब्जेक्ट हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं सब्जेक्ट हैं करंट अफेयर्स हैं या कुछ भी हैं उनको आपको हम कवर करवाते रहेंगे कंटिन्यू तो स्टूडेंट्स थैंक यू थैंक यू वेरी मच